जय बाबा की, जय श्री राम और जय हो मेरे गुरु महाराज की जी। सभी ने सुनने वाले ने और जी ज्यादा से ज्यादा शेयर कराया करो, सुनाया करो कथा, इसको कथा को पूरी को सुनाया करो। सोमवार की व्रत कथा सुना रही हूँ, सारे ध्यान से सुनियो। भगवान भोलेनाथ की सुनकर फिर एक लाइक जरूर दे दिया करो तुम तो। कथा देखियो इस प्रकार है। एक बार शिव जी शिव पार्वती घूमते घूमते यहाँ उतरे उतरे इधर हमारे इस लोक में, तो वह पार्वती माँ देख रही है एक औरत इतनी गरीब धरती लोक पा गए थे वह, तो इतनी गरीब थी। माँ बेटा बहुत ही दुखी थे, तो वह नु कह रही है बेटा ले देख, उस बेटे के भी कपड़े फटे पुराने पहरू की माँ भी, बेटा हमारे पता नहीं हमारे दिन कब अच्छे आएंगे, सबके दिन बढ़िया आ रहे हैं। पड़ोस में देखी ना, दो दो घर ले लिए, दुकान ले लिए, आराम से टूटे फूटे खंजर में रह रहे हैं, वैसे करते रही। तो पार्वती माँ को देख के ना और ऐसे बहुत तरस आ गया, तो वह महादेव से कहने लगी हे महाराज देखियो कितने गरीब हैं लोग भी, आपने एक एक को तो इतना अमीर बना रखा है, जो अमीर है उसको तो और भी अमीर कर देते हो, और जो गरीब लोग हैं दुखिया उनको आप और दुखी कर देते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, इनके भी दुखों को दूर करो और इनको भी अमीर बना दो। माँ बेटा बहुत दुखी है। तो बोले ठीक है पार्वती, मैं आपको ये रहस्य समझाने के लिए कुछ दिन वहां माँ तो गई तो यहाँ धरती लोग पर रहेंगे। तो कह रही ठीक है। तो शिव ने माँ ने और शिव ने जैसे औरत का और आदमी का रूप लेके रहने लगे एक पास वाले गांव में, तो रहने लगे। तो बोले देखो ये भी हमें मतलब भाई मनुष्य के रूप में तो आए गए, तो ये हमने खाना भी अपने आप ही बनाना पड़ेगा, ये मांगने से कोई नहीं देगा ना अच्छा लगेगा। करे ठीक है। तब तो वह अपने बोली ठीक है, मैं तो बोला इतना कुछ ले आता हूँ श्याम गरीब बनाने के लिए खाना, और आप ऐसे करो चूल्हा मना लो इतना। ठीक है महाराज। तो शिव जी बोले तो चले जा है सामान लेने, कहीं ऐसे अंतर ध्यान हो गए, उन्हें सामान नहीं लेना था, उन्होंने माता पार्वती को समझाना था कि लोग गरीब क्यों हैं और अमीर इतने अमीर क्यों हैं। जैसे कई बार हम भी कहते हैं ना देखो इनको तो भगवान कितना धन देता है, इनके पास गाड़ी बंगला दो दो मकान और इतनी वाह है, और हम ले नहीं सकते, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। और तब चले गए अंतर ध्यान हो गए, तो माता पार्वती ने सोचा चल मैं गांव से ईंट ले आती हूँ और चूल्हा बना लूँ। तो चूल्हा बनाने के लिए माता पार्वती गई, तो बाहर घर से निकली बाहर अकेला किसी से ईंट ले आऊं, तो उसने सोचा ये जो सुंदर सुंदर इतने अच्छे अच्छे महल बन रहे हैं गांव में, तो बहुत बड़े बड़े सुंदर महल हैं। माता पार्वती ने कहा, तो बोली अगर मैं इन महलों में से ईंट उखाड़ूंगी तो इनकी शोभा खराब हो जाएगी, तो ला क्यों ना, ये टूटे फूटे मकान पड़े हैं और ईंट भी बिखरी पड़ी है, तो इन्हीं से ईंट ले लेती हूँ क्योंकि ये तो पहले से ही टूट रहे हैं, और ये दूसरों को लूंगी तो ये टूट जाएंगे। तो माता पार्वती ने वह जो टूटे हुए मकान थे वहां से ईंट लिया, ये चूल्हा बना लिया, चूल्हा बना लिया। तो इतने में भगवान आ गए, शिव जी बोले आ गए, तो बोले महाराज जैसे हम गरीब के लेके आए हो खाना बना लूं, अब खाना के बनाओगी, हमने खाना बनाने की जरूरत ना रही पार्वती, आके क्यों जी क्यों ना रही बनाने की जरूरत है, अक ना जिस काम के लिए मैं आपको यहाँ लेके आया था वो काम तो पूरा हो गया, अक महादेव जी पूरा कैसे हो गया और कहाँ होया है पूरा। तो बोला देखो आप कह रहे थे महाराज जो इतने लोग गरीब हैं आप उनको और भी गरीब क्यों बनाते हो, क्यों उनको तंग करते हो, और एक एक को आपने इतना अमीर बना रखा है और उनको और भी अमीर बनाते जा रहे हो, तो क्यों ना ही गरीबों को भी आप अमीर बना दो। तो बोला पार्वती मैं वो सिखाना चाहता था, देखो जिन लोगों ने अपने घरों को अच्छे से संवार सजा के रखा है तो उन्होंने अपने जीवन को भी ऐसे ही साथ संवार के रखते हैं, उन्होंने भी मतलब भाई अच्छे काम कर रखे हैं तो उनके उनके जीवन में सुधार हो रहा है, और जो पिछली करनी में वही अच्छे काम नहीं करके आए बुरे करके आए हैं तो उन
उनको अभी टाइम लगेगा, वह जब आप अच्छा करेंगे तो उनको आगे मिलेगा। तो इसलिए भी तेरे को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जो समझाने के लिए इस धरती लोक पे आया था वो आपको समझ में आ गया है। तबे माँ पार्वती सबकी हेल्प करती है, क्योंकि एक माँ है, माँ अपने बच्चों को कभी तंग नहीं होने देती है। तो इसी बात पर बोलो पार्वती शिव गुरु महाराज की जय। और वे लाइक देना कति मत भूलिया करो, और बड़ी वीडियो जरूर देखा करो। आप छोटी तो देख लो हो, तो एक वो बड़ी पर भी आ जाया करो, छोटी भी देखो और बेबे बड़ी पर जरूर लाइक कर जाया करो और कमेंट भेज जाया करो। मैं देखे जाऊं थारी बाट देखे जा, मेहरबान आवंगी कमेंट करेंगी। तो आ जाया करो बेबे, बाट मत दिखा करो साजी बाण। राम राम बेबे, जय श्री राम, जय बाबा की, जय गुरु महाराज की।